हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सूजी का हलवा बनाने जा रहे हैं। इसे मैं अपने तरीके से बनाऊंगी। चलिए फिर बनाते हैं सूजी का हलवा। सूजी का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ एक बाउल में एक कटोरी सूजी लिया है और यह सूजी जो है थोड़ा सा मोटा है, इसी तरीके का ही मैंने सूजी लिया है। मैंने यहाँ पैन गर्म होने के लिए रख दिया है। यह देखिए, पैन हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे घी। हम यहाँ 2 चम्मच घी लेंगे। ये देखिए, मैंने 2 चम्मच घी लिया है। इसको हम थोड़ी देर के लिए पिघलने देते हैं। घी हमारा अच्छी तरीके से पिघल गया है। अब हम इसमें डालेंगे सूजी और इसे भी हम अच्छी तरीके से इसके अंदर मिला लेते हैं। सूजी को हम बराबर चलाते हुए अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। इसे हम बराबर चलाएंगे कंटिन्यू। सूजी को हम बिल्कुल लो फ्लेम पर ही इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे और इसमें हम थोड़ा सा 1 चम्मच और हम इसके अंदर घी लगा देते हैं, घी डाल देते हैं। और इसे भी हम अच्छी तरीके से मिलाते हुए सूजी को भून लेंगे। सूजी को हमने अच्छी तरीके से यह देखिए भून लिया है। ये बहुत ही अच्छा भून गया है सूजी। चलिए इसमें हम चीनी डाल लेते हैं। चीनी हम लेंगे उससे 1/2 कटोरी। आप अपने मीठा अगर जिस प्रकार भी आप खाना चाहें उस हिसाब से आप ले सकते हैं। इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं इसके अंदर चीनी को। अब हम इसी कटोरी से 2 कटोरी दूध डालेंगे। आप चाहे तो पानी भी डाल सकते हैं पर मैंने यहाँ दूध लिया है। ये देखिए, मैंने 2 कटोरी दूध इसके अंदर डाला है। चलिए इसे हम मिला लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे केसर वाला दूध। ये देखिए, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा 1 पिंच कलर, फूड कलर। ये मैंने पीला कलर लिया है और इसे हम डाल के अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 इलायची जिसे हमने कूट लिया है और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब हम फिर से इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं इसके अंदर घी डाल के। आप चाहे तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। यह देखिए फ्रेंड्स, हमारा हलवा बनकर तैयार हो गया है। चलिए इसे किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। यह देखिए फ्रेंड्स, हमारा सूजी का हलवा बनकर तैयार हो गया है। अगर आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।